पीएम मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं। 23 अगस्त को वो यूक्रेन का आधिकारिक दौरा करने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर होगा। इसका महत्व इसलिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रूस के दौरे से लौटे हैं। ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है इस लिहाज से। इससे भी अधिक खास ये है कि उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होने वाली मुलाकात। हालांकि ये पहली मुलाकात नहीं है दोनों के बीच। हाल ही के वर्षों में कई महत्वपूर्ण मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई हैं। चलिए जानते हैं कि दोनों कब मिले, किस मुद्दे पर इनके बीच हुई चर्चा। सबसे पहली मुलाकात हुई नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 वो पहला मौका है जब दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, लेकिन दोनों नेताओं ने वैश्विक मंच पर मुलाकात की थी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में तब संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था। मई 2023 हिरोशिमा। दूसरा मौका आया मई 2023 में। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस मुलाकात ने वैश्विक मंच पर भारत और यूक्रेन के बीच एक द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी। अब आते हैं 14 जून 2024 को इटली में दोनों की मुलाकात हुई। 14 जून 2024 को इटली में दरअसल आयोजित था G7 शिखर सम्मेलन। इस दौरान दोनों की हुई तीसरी मुलाकात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मिले। यूक्रेन और रूस के बीच इस वक्त संघर्ष जारी था और इसके ग्लोबल इंपैक्ट को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। अब आते हैं 23 अगस्त को होने वाली मुलाकात पर, जो चौथी मुलाकात होगी, लेकिन पहली ऑफिशियल मीटिंग। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की ये मुलाकात होने वाली है, लेकिन ऑफिशियली ये पहली मुलाकात होगी। ये मुलाकात इस लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि रशिया का दौरा करके हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे हैं और माना यह जा रहा है, सूत्र जो खबर दे रहे हैं, कि पुतिन से भी यूक्रेन के साथ जंग को लेकर उनकी बातचीत हुई है और अब दुनिया भर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर टिकी हुई हैं। इसलिए ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया भर के देश उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान यूक्रेन और रशिया के बीच जंग को रोकने की भी बातचीत हो सकती है। इसे लेकर हो सकता है कोई ऐसा फैसला या ऐसा कोई निर्णय या ऐसी कोई बात सामने आ जाए जिससे जंग में राहत मिल सके। इसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के मिलने से, इस मुलाकात से, क्या रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जो है उसमें राहत मिलेगी? क्या वो बंद होने के लिए कोई कदम उठाएंगे दोनों देश? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कमेंट के जरिए आप इसका जवाब हमें भेज सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी सोच, अपना नजरिया हम तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।